चलें फिर स्टार्ट कर लेते हैं फैक्ट ऑफ साइंटिफिकल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ तो सपोज हमारा अर्थ जो है रोटेट कर रहा है जेड एक्सिस के अबाउट और एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में और इसका एंग्लो वेलोसिटी हम ले लेते हैं ओमेगा तो जो आपका एंग्लो वेलोसिटी होगा उसका जो आपका डायरेक्शन होगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस तो आप ओमेगा वेक्टर को आप लिख सकते हैं ओमेगा के कैप तो अब इसी में कंसीडर कर लेते हैं कि आपका पार्टिकल या ऑब्जेक्ट आपका जिसका मास एम है पी पोजीशंस पे है और वाई जेड प्लेन में है वाई जेड प्लेन में है तो इस पी इस ऑब्जेक्ट पे जो कि पी पोजिशन पे है इस पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी एक तो आपकी फोर्सेस ड्यू टू एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी और उसका डायरेक्शन जो होगा पी ओ के लॉन्ग होगा दूसरा आपका फोर्स होगा साइंटिफिकल फोर्स ड्यू टू रोटेशं ऑफ अर्थ ठीक है तो आपका जो आपका पोजिशंस वेक्टर होगा आर आर आपका पोजिशंस वेक्टर है ऑब्जेक्ट का तो ये आपका लेमडा इज़ आ लेटिट्यूड ठीक है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं आपको पता है कि आपका एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है कॉस होती है तो वी कैन राइड इट एज़ आर कॉस लेमडा और दूसरी साइड होती है आपकी आर साइन लेमडा ठीक है और इसका डायरेक्शन्स आपका जे कैप होगा और इसका डायरेक्शन आपका के कैप होगा तो पोजिशंस वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर जो होगा आपका किसकी इक्वल होगा आर कॉस लेमडा जे कैप प्लस आर साइन लेमडा के कैप तो इसका यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हैं वेक्टर को आपने इसको डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से तो कॉस लेमडा जे कैप प्लस साइन लेमडा के कैप ठीक है तो जैसे कि हमने बोला कि आपका जो पार्टिकल पार्टिकल होगा पी पोजिशन पे उस पर दो तरह की फोर्सेज एक्ट करेंगी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि पी ओ के अलॉन्ग होगी दूसरा आपका साइंटिफिकल फोर्स होगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ तो हम टर्म टर्न बाई टर्न इसको फाइंड आउट करेंगे तो पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा दैट इज इक्वल टू मास इनटू टू तो आपका मास एम जी और देखिए आपका ग्रेविटी जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलॉन्ग पी ओ है तो जो आपका आर कैप होगा वो इंक्रीजिंग डायरेक्शंस ऑफ आर वेक्टर की डायरेक्शंस में होगा जो कि आपका ग्रेविटी है वो माइनस आर कैप की डायरेक्शंस में होगा तभी आपने या हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है तो माइनस एम जी आर कैप हमने फाइंड आउट करा हुआ है कॉस लेमडा जे कैप प्लस साइन लेमडा के कैप नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे आपका साइंटिफिकल फोर्स वो आपको फॉर्मूला पता है हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस करा था आपका साइंटिफिकल फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर ठीक है उसके बाद ओमेगा हमारा किसके इक्वल है ओमेगा के कैप के इक्वल है ओमेगा हमने रिप्लेस कर दिया ओमेगा के कैप आपका आर वेक्टर जो है आर कॉस लेमडा जे कैप प्लस आर साइन लेमडा के कैप नाउ आप क्या कर सकते हैं देखिए आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे के क्रॉस जे करेंगे तो हमारे पास माइनस आई कैप आएगा के क्रॉस के करेंगे तो जीरो क्योंकि के क्रॉस के करेंगे तो जीरो और आपका के क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस ये उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई कैफ तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एम ओमेगा के कैप वैसा ही क्रॉस जब इन इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो वी हैव दिस ओमेगा आर कॉसलेमडा के क्रॉस जे करेंगे तो आई कैप नेगेटिव साइन अब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वेयर आर कॉसलेम्डा के क्रॉस आई करेंगे तो वी हैव के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्रॉसाई इज इक्वल टू जी कैप ठीक है तो आपका जो फोर्स होगा वो पी पॉइंट पे लग रहा है बट किस डायरेक्शन में आउटवर्ड और पैरल टू वाई एक्सिस क्योंकि आपका प्लस जी कैप है तो आपका जो सेंटिफिकल फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है बट इट इज पैरल टू वाई एक्सिस नाउ इफेक्टिव फोर्स ऑन पार्टिकल एट पॉइंट पी वो किसके इक्वल होगा आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी प्लस सेंटिफ्यूगल तो फोर्स तो आपने एफ जी फाइंड आउट करा विच इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉस लेमडा जे कैप प्लस साइन लेमडा के कैप सेंटिफ्यूगल फोर्स भी हमने फाइंड आउट करा माइ एम ओमेगा स्क्वेर आर कॉस लेमडा जे कैप ना आप देखें कॉमन आउट क्या निकलता है आपका यहाँ से कॉस लेमडा जे कैप कॉस लेमडा जे कैप आप मास मास यहाँ से कॉमन ले लेंगे नेगेटिव साइन भी हमने कॉमन आउट ले लिया तो वी हैव लेफ्ट विद जी यहाँ से जी बचेगा आपका और यहाँ से आपका नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया है तो माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर बैटरी क्लोज कोस लेमडा जी कैप आपकी ये टर्म सेम साइन लेमडा के कैप और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एम के साथ तो ये आपका क्या है अब हम मान लेते हैं कि जी ई e, अगर आप आपका इफेक्टिव एसोल्यूशन ड्यू टू ग्रेविटी है देन इफेक्टिव फोर्स को आप लिख सकते हैं मास इनटू इफेक्टिव ग्रेविटी तो ऊपर वाला इक्वेशंस में आप इफेक्टिव फोर्स को आप रिप्लेस कर देंगे मास इनटू इफेक्टिव ग्रेविटी इज इक्वल टू बाकी आपका ये जो टर्म है ये सेम है ठीक है उसके बाद आपका देखो मास आपका कॉमन आउट यहाँ से मास मास कॉमन आउट तो दिस थिंग्स विल बी कैंसिल आउट तो फिर हमारे पास जो इफेक्टिव एसोलेशं ड्यू टू ग्रेविटी होगा जो इफेक्टिव एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो आया हमारा माइनस टाइम जी माइनस ओ मेगा स्क्वेयर आर कोस लेमडा जे कैप बाकी आपका ये टर्म सेम माइनस जी साइन लेमडा के कैप नाउ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो आपको पता है आर वेक्टर अगर हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है स्क्वेर रूट ऑफ कोफिशेंट ऑफ आई कैप प्लस स्क्वेयर ऑफ कोफिशेंट ऑफ जे कैप सिमिलरली हम इसका स्क्वेयर ले लेंगे ये जे कैप और के कैप के जो आपके कोफिशंट्स होंगे उनका हम स्क्यर कर लेंगे और उसको आप स्क्वेयर रूट में रखेंगे तो इसका जब हम स्क्यर करेंगे तो वी हैव जी माइनस ओमेगा स्क्यर आर का होल स्क्यर को स्क्र लेमडा जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो वी हैव प्लस जी स्क्वेयर साइन स्क्वायर लेमडा और एस पॉवर वन बाई टू नाव आपका ये जो है ये वाला टर्म जो है इसको आप ओपन अप करें आप जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर का होल स्क्र इसको ओपन अप करेंगे तो ए स्क्र प्लस पी स्क्र माइनस ट्वाइस ऑफ और कॉस् वेल लेमडा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉसक्ल लेमडा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद आपका क्या है ये 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 लास्ट टर्म जी स्क्वेयर साइंस हुए लेमडा ये आपका सेम रहेगा ना आप देखें कॉमन कॉस वेल लेमडा और साइंस हुए लेमडा ठीक है यहाँ पे जी स्क्वेयर और जी स्क्वेयर ये जी स्क्वेयर और ये जी स्क्वेयर कॉमन आउट तो हमारा बच्चे का साइंस हुए लेमडा प्लस कॉस लेमडा विच इज इक्वल टू वन तो वी लेफ्ट विद ओनली जी स्क्वेयर बाकी ये वाला टर्म माइनस ट्वाइस ओमेगा स्क्वेयर आर जी को स्क्वेयर लेमडा ये आपका सेम प्लस ओमेगा फोर आर स्क्वेयर कॉस्क्वेयर लेमडा ये वाला टर्म यहाँ पे रेस फोवर वन बाई टू अब हम आपको स्क्वेयर रूट है आपका वन बाई टू है तो जी को आपको बाहर लेना है तो जी स्क्वेयर को आप जब स्क्वेयर रूट से बाहर लेंगे तो भी आप जी यहाँ से आपको जी स्क्वेयर चाहिए तो उसको कॉम्पोसिट करने के लिए जी स्क्वेयेर बनाने के लिए यहाँ पे जी स्क्वेयर लिखेंगे तो नीचे कॉम्पोसीट करने के लिए एक सिंगल जी आएगा जो जे जी स्क्वेयेयर ये जो ऊपर जी स्क्वेयेर होगा इसको आप स्क्वेयर रूट से बाहर ले सकते हैं ले लिया हमने तो उसको उसको कॉम्पोसीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर नीचे हमें जी लेना पड़ेगा उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जी स्क्वेयेर नहीं है तो उसको करने के लिए हम जी स्क्वेयर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या होगा ये वाला जी स्क्वेयर स्वेयर से बाहर आ जाएगा और तो नीचे ये वाला जी स्क्वेयर एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा नो वी नो दैट आपका जो एंगुलर रेसोलिशंस होता है वो काफ़ी कम होता है तो एंगुलर भी आपका कम होगा अर्थ का तो ओमेगा स्क्वेयर काफ़ी कम होता है ठीक है और इसको आप नाइन पॉइंट एट से डिवाइड करेंगे तो जो आपका जो ओमेगा स्क्वेयर आर बाई जी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी लेस दैन वन लेस दिन ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी का जो वैल्यू होगा दैट इज लेस इन 1 बट इट विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो इट मींस लेट कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू कितना है आपका पॉइंट 0.01 ठीक है एग्जांपल ले लेते हैं ये दिस यूनिट तो अब अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 0.01 का जब स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी तो ये जो वैल्यू है देखिए आप ओमेगा 4 आर स्क्वायर जी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज आपकी स्क्वेयर हो रही है तो स्क्वेयर हो रही है तो इट मीनस ये वैल्यू क्या होगी काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी तो छोटी टर्म्स जो होती है हम प्लस माइनस में हम निगलेक्ट कर सकते हैं तो ये जो फॉर uh, इजीनेस हम ये जो ये वाला टर्म है इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं बाय निगलेक्टिंग दिस टर्म एज वी नो दैट ओमेगा स्क्वेयर आर बाई जी जो आपका है लेजन वन तो वी हैव वी निगलैक्ट ओमेगा फोर आर स्क्वेयर बाई जी स्क्वेयर इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। लेस देन लेन सो वी कैन नेगलेक्ट ओमेगा फोर तो हमारे पास ये टर्म बचेगा अब हम क्या करेंगे इसको बाय थ्योरम लगाएंगे और निगलेक्टिंग हायर पावर टर्म्स तो बाइनोमियल थ्योरम बोलती है वन प्लस एक्स रेस पोवर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स रेस प्लस सो ऑन चलता जाएगा आपका तो हायर ऑर्डर टर्म्स को आपने नेगलेक्ट करना है तो जब आप इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो वी यार फैक्टर्स वन बाई टू एन की जगह वन बाई टू यहाँ पर आएगा बाकी टर्म आपकी नेगलेक्टेड टू के साथ टू कैंसिल आउट जी को आप अगेन आप अंदर स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं तो जी जी के साथ जी कैंसिल ओमेगा मेगा स्क्वेयर आर कॉस्क्वेयर लमडा दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी तो एट पोल पोल पे आपका जो लेटिट्यूड होता है दैट इज़ नाइन्टी तो जब आप कॉस नाइन्टी बुट करेंगे तो कॉस नाइन्टी आपका जीरो तो इफेक्टिव जो एसोलेशन होगा वो जी के इक्वल आ रहा है एग्जिक्ट वैल्यू आ रही विच इज़ मैक्सिमम इक्वेटर पे आप जाएंगे तो आपका लैमडा जो लेटीट्यूड होगा वो कितना होगा जीरो होगा तो जी ई कॉस जीरो आपका वन होगा तो जी माइनस ओ मेगा स्क्वेयर आर तो जी का वैल्यू कम हुआ है मिनिमम तो कह सकते हैं यहाँ से पोल पे आपका जो एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है इक्वेटर पे कितना होता है आपका मिनिमम होता है और ये जो वैल्यू डिफरेंस होता है पोल और इक्वेटर के बीच का जो एसलेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी एट पोल और एसिलेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी एट इक्वेटर उनमें जो डिफरेंस होता है वो होता है थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बट uh, जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो डिफरेंस जो है वो कितना है 5.2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये डिस्परेंसी क्यों है क्योंकि जो आपका अर्थ है इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फेयर ये फ्लैट है पोल्स पे फ्लैट है और इक्वेटर पे इट इज़ ब्लज आउट जैसे आपकी आई जो होती है सेंटर से बाहर निकली होती है देन क्लियर